के साथ भी उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, जलमार्ग यहां पे कोई कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत सरकार के साथ मिलकर के लैंड वाटरवे, देश का नंबर एक वाटरवे वाराणसी हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने वाटरवे की इन सब महामाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के अंदर इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। हम हर उस नदी के अंदर जहां पर चाहे उसे नदियों को चैनलाइज करना हो या ड्रेजिंग के माध्यम से जल मार्गों की सुविधा को विकसित करना हो, हम इस पर पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश अपनी कृषि बाहुल्यता के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर था, नंबर एक पर कृषि था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे करके अपनी पटरी से उतर चुका था, लोग पलायन कर रहे थे। पिछले 9 वर्ष के अंदर स्वायत्त हेल्थ कार्ड की व्यवस्था रही हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इन सभी योजनाओं को लागू करने का कार्य रहा हो, या 2017 के बाद सरकार गठन होने के बाद प्रदेश सरकार के द्वारा अन्नदाता किसानों के लिए प्रोक्योरमेंट की नीति को लागू करने, एमएसपी का लागत का 1.5 गुना दाम अपने अन्नदाता किसानों को देने का कार्य रहा हो, या फिर फसलों के विविधीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 अन्नदाता किसान इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और गत 3 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के 2,61,00,000 किसानों के खाते में 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। उत्तर प्रदेश अपने अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए, उनकी खुशहाली के लिए कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अब तक 23,00,000 हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। लगातार सरकार इस पर कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। और जो सेक्टर माना जा रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, आज इससे उभर करके कैसे समृद्धिशाली किसान बन सकता है, इस परिकल्पना को भी साकार किया गया है। इसका साक्षात रूप आज देखने को मिल सकता है। जब किसान हंसता है, उसके चेहरे की खुशहाली देखते हुए बनती है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रम चले हैं। इन कार्यक्रमों ने खेती से प्लान कर रहे किसानों को फिर से खेती बाड़ी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश इस दिशा में कार्य कर रहा है और राज्य सरकार ने तय किया है कि लगभग 14,00,000 निजी ट्यूबवेल है। गत वर्ष हमारी सरकार ने अन्नदाता किसानों की सुविधा के लिए इन 14,00,000 निजी नलकूप संचालित करने वाले किसानों को विद्युत बिल में 50% की छूट उपलब्ध करवाई थी। फीडर सेपरेशन की कार्रवाई चल रही है। सरकार बहुत शीघ्र अपने अन्नदाता किसान को फ्री में विद्युत की आपूर्ति निजी ट्यूबवेल को उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रही है। देश स्तर पर आगे बढ़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आपको लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। चाहे वह बेसिक एजुकेशन में हर विद्यार्थी को 1,91,00,000 बच्चों को तो बेसिक शिक्षा परिषद से संबद्ध या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें यूनिफॉर्म, दो यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, सूट, सॉक्स, स्वेटर ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ विगत 6 वर्ष के अंदर लगभग 60,00,000
विद्यार्थियों की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़ी है। आज वहां पे ऑपरेशन कायाकल्प का कार्य हो, चाहे स्मार्ट क्लास, टॉयलेट और पेयजल की विशुद्ध यानी शुद्ध उपलब्धता, ये सभी कार्यक्रम युक्त स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। और श्रमिकों के बच्चों के लिए भी अटल आवासीय विद्यालय इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहे हैं। एक श्रमिक का बेटा भी अत्याधुनिक शिक्षा अर्जित करेगा। ये आप कल्पना नहीं बल्कि साकार होने जा रहा है। 18 अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए, और कोविड कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है, माता पिता को खोया है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ जुड़े हुए बच्चों को भी हम लोग इन विद्यालयों में प्रवेश के साथ जोड़ने जा रहे हैं। लगातार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र हो या उच्च शिक्षा का क्षेत्र, तकनीकी हो या व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक नई संभावनाओं को जन्म दिया है और एक अवसर है जब भारत एक बार फिर से दुनिया के अंदर एजुकेशन हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। ये सभी भारत की सदी हो शिक्षा के क्षेत्र में, इस पर कार्य करने के लिए निरंतर नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें तकनीक का उपयोग भी किए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस से त्रस्त होता था यह प्रदेश इस कालखंड में। ये सीजन था जुलाई से लेकर के नवंबर तक, हजारों बच्चे इंसेफ्लाइटिस से कालकल्पित होते थे, इसकी चपेट में आते थे और समय कालकल्पित होते थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 6 वर्ष के अंदर हुए प्रयासों का परिणाम, इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चे जो कालकल्पित होते थे आज उनको बचाने में सफलता प्राप्त हुई। 98% बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित करने और मौत के आंकड़ों को कंट्रोल करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हुई है और तेजी के साथ इस क्षेत्र में जहां कार्य हुआ है वहीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से भी हेल्थ टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए लगातार प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत की योजना हो या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, 10 करोड़ परिवारों को, 10 परिवार 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। बेटी बताओ बेटी पढ़ाओ में 15 लाख बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ जोड़ दे और 2 करोड़ बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से भी करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हमें नए भारत के साथ जुड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प देशवासियों को दिया है। स्वाभाविक रूप से देश की आबादी का लगभग 1/5 उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इतनी बड़ी आबादी जिस प्रदेश में निवास करती हो उस प्रदेश का भी तो कोई दायित्व होगा। उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में इस दायित्व को बखूबी अपने अन्नदाता किसानों के माध्यम से कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने कृषि योग्य कुल भूमि का देश का 11% भाग उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश देश के अंदर खाद्यान्न आपूर्ति का 20% उत्पादन करने में सफल हुआ है। इसको और बढ़ाने की संभावना उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है, जिस पर निरंतर कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश अगर भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र है तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा प्रदेश भी है। 56% जनसंख्या हमारे पास ऐसी है जो कामकाजी है, इसके परिश्रम और पुरुषार्थ पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी होगी। इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस प्रकार का अवसर से देना होगा और इस दृष्टि उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है। आगामी 5
उद्देश्य के लिए हम भी अपनी इस व्यापक कार्य योजना को लेकर के चलेंगे। अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। और कहो फिर इसके लिए एक संकल्प, तो संकल्प विगत 6 वर्ष के अंदर देखने को मिला। इन 6 वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश की GDP को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की। लोग एक प्रश्न करते हैं, क्या ये संभव होगा? मैंने कहा हाँ संभव होगा। हमने 5 वर्ष में दुगना किया और दुगना तब किया जब कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने चुनौती दे रही थी, लगातार अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही थी, तब हमने दुगने करने में सफलता प्राप्त कर ली है। तो अगला 5 वर्ष तो हमारे लिए है। इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना हम कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए और हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। आज उस संकल्प के साथ हम सबको जुड़ने का एक अवसर, आजादी के अमृत काल का यह प्रथम समारोह हमें उपलब्ध करा रहा है और इसका रास्ता जाता है पंचप्रण से। पंचप्रण का वह संकल्प जो आज अभी शपथ के रूप में हम सब ने ग्रहण किया है, जिसका संकल्प आज हर अमृत सरोवर पे हो रहा है, जिसका संकल्प आज हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में, हर जनपद में समारोह पूर्वक लोग ले रहे हैं। कोई सोचता था कोरोना जैसी महामारी के दौरान इतनी बड़ी आबादी का राज्य बढ़ पाएगा? लेकिन कोरोना अंततः हमारे संकल्प के सामने पराजित हुआ। आपने देखा होगा दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र अभी भी कोरोना से आहत हैं, उभर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम तो शानदार यात्रा के साथ फिर से उठ खड़े हुए हैं, फिर से आगे बढ़ रहे हैं। पता ही नहीं लगता कोरोना कहीं है नहीं। कारण है संकल्प शक्ति, जब अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके आगे बढ़ती है तो उसका वास्तविक रूप परिणाम के रूप में देखने को मिलता है। हम सबको भी आज एक बार फिर से इन संकल्पों के साथ जुड़ते हुए कार्य करना होगा और इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि आने वाला 25 वर्ष का एक कालखंड हम सबको एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जुड़ने का आह्वान कर रहा है। एक नए भारत के दर्शन के लिए, नए भारत और एक विकसित भारत के मार्ग देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। हम सब इसके साथ जुड़े तो पंचकरण में है विकसित भारत। विकसित भारत हम सबका संकल्प होना चाहिए, विरासत का सम्मान हम सबका संकल्प होना चाहिए, गुलामी के अंश से मुक्ति हम सबका संकल्प होना चाहिए, एकता और एकीकरण हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इन सब की अंतर्निहित आत्मा है, वह है हर नागरिक का अपना कर्तव्य है। हर नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेगा। कोई कारण नहीं 2027 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर के दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाए। और भाइयों बहनों, इसी के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं और घर तिरंगा का ये कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों घरों पर तिरंगा अपनी आन मान और शान, बान और शान के साथ लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के गौरव का प्रतीक है तिरंगा, देश के वीर शहीदों को के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए एक नए भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के साथ जुड़ने का एक आह्वान करना है। आजादी के अमृत काल का एक प्रथम वर्ष हम सबको आगामी 25 वर्ष की इस कार्य योजना के साथ जोड़ता है। जब 2047 में भारत अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तो हम में से हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति कर पाए और वह गौरव की अनुभूति इस बात को लेकर कर पाए कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था
और उस समारोह के साथ हम भी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। और उस समय हम उस समय की पीढ़ी को बोल सकेंगे कि संकल्प हमारा था, ये संकल्प की कार्य योजना हम लोगों ने मिलकर के बनाई थी और ये संकल्प आप साकार होते हुए देख रहे हैं। अब आगामी 100 वर्ष की कार्य योजना उस समय की पीढ़ी बनाए और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करने के संकल्प के साथ जुड़ेगा। तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं, हजारों वर्षों की भारत की यात्रा आगामी हजार वर्ष की कार्य योजना के साथ आगे बढ़ पाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने अपने आप को भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की समृद्धि के लिए कर्तव्य के पथ पर अडिग होकर के कार्य करते हुए समर्पित किया, बलिदान दिया, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूं कि हम लोग अमृत काल के इस प्रथम वर्ष के संकल्प के साथ जुड़ करके एक समृद्ध और सुरक्षित उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से अमृत काल की इस बेला में, स्वाधीनता दिवस के इस पावन अवसर पर हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर